तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग का जो गुडलक ऐप होता है दोस्तों, उसके अंदर एक मॉड्यूल होता है वन हैंड ऑपरेशन प्लस। दोस्तों उसके अंदर एक नया अपडेट आया है, नए अपडेट के साथ कमाल के नए फीचर ऐड ऑन किए गए हैं। आप बोल सकते हैं मल्टीपल फीचर्स वहां पर ऐड ऑन किए गए। क्या ये फीचर्स हैं, कैसे इसको यूज करेंगे, आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। जैसा कि होता है मैं आपको बताने वाला हूँ वन हैंड ऑपरेशन ऐप के नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए जाना है आपको अपने मोबाइल के गैलेक्सी स्टोर में। गैलेक्सी स्टोर में जाने के बाद अगर आप नीचे जाएंगे मेन्यू में अपडेट्स वाले सेक्शन पे, वहाँ पर आप देखेंगे आपको एक अपडेट अवेलेबल मिल रहा होगा वन हैंड ऑपरेशन ऐप का। आप देख रहे होंगे ये नया अपडेट आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल रहा होगा। यहाँ पर आप देखेंगे इस ऐप में बहुत सारे नए नए चेंजेस किए गए, देख सकते हैं आपने इसमें सारे सारे चेंजेस किए गए। और इस अपडेट को कब रोल आउट किया गया, 5 अप्रैल को रोल आउट किया गया। इसका वर्जन नंबर है 6.3.2.1.0। इसका साइज है 6 MB का। यहाँ पर आप देखेंगे इतने सारे चेंजेस किए गए, जब तक मैं कर लेता हूँ अपडेट। यहाँ पर सबसे पहला चेंजेस किया गया इंटीग्रेशन ऑफ हाइड हैंडल सेटिंग इन एडवांस सेटिंग। जो एडवांस सेटिंग के अंदर जो हाइड हैंडल सेटिंग्स थी उसको हटा दिया गया है। एड विजार्ड्स पेज लूपिंग ऑप्शन फॉर विजार्ड्स पॉपअप। विजार्ड्स पॉपअप के अंदर वहां पर विजार्ड्स पेज लूपिंग का ऑप्शन भी एड ऑन कर दिया गया है। साथ में मॉडिफाई टू स्विच टू फुल स्क्रीन व्हेन रिप्लेसिंग द स्प्लिट स्क्रीन फंक्शन। स्प्लिट स्क्रीन फंक्शन जब यूज करते हैं तो वहीं पर उसको वापस से फुल स्क्रीन करने के लिए भी वहां पर एक ऑप्शन दे दिया गया है। उसके बाद मॉडिफाई टू स्विच टू फुल स्क्रीन व्हेन रिपीटिंग द स्प्लिट स्क्रीन फंक्शन। डिसेबल व्हेन फोटो इज इन एडिट मोड इन गैलरी ऐप। फिक्स्ड अ प्रॉपर व्हेन कनेक्टिंग एंड्रॉयड ऑटो और फिक्स्ड अ प्रॉपर क्लिकिंग मीडिया आइकन। ये सब चीज़ें यहाँ पर चेंज आउट की गई। चलो पहले कर लेते हैं इसको ओपन। तो ये फाइनली दोस्तों अपडेट हो चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ हाइड हैंडल्स सेटिंग इन एडवांस सेटिंग। तो हाइड हैंडल सेटिंग का ऑप्शन क्या है, ये कैसे यूज करेंगे, तो उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर मिलेगा आपको एडवांस सेटिंग का ऑप्शन। यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक नया ऑप्शन मिल रहा होगा हाइड हैंडल। तो हाइड हैंडल ऑप्शन में सबसे पहले आपको दिया है लैंडस्केप मोड, मतलब कि अगर आप लैंडस्केप मोड पे अंदर हैं तो वहां पर ये वन हैंड ऑपरेशन ऐप वर्क ना करें। ऐसे ही क्यूब पैनल पे हो तो ना वर्क करें, लॉक स्क्रीन पे हो तो ना वर्क करें, और होम स्क्रीन पे हो तो ना वर्क करें। कैसे, जैसे कि मान लो अभी मैंने इसको ऑन नहीं करा और अभी मैं अगर मैं इसको यूज करूंगा, आप देखेंगे यहाँ पर स्क्रीन, जैसे कि मैंने यहाँ ऊपर की तरफ लगा के रखा है स्क्रीनशॉट, वो स्क्रीनशॉट ले रहा है। आप देख रहे हैं वर्क कर रहा है वन हैंड ऑपरेशन। और अगर मैंने यहाँ एडवांस सेटिंग में हाइड हैंडल में जाके मैंने होम स्क्रीन पे बंद कर दिया और अगर अब मैं यूं करूंगा तो अब वो कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं अब वो वर्क ही नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने वहां पर बंद कर दिया हाइड हैंडल एंड होम स्क्रीन। तो सबसे पहला चेंजेस वो यही दिया गया है। उसके बाद दोस्तों सेकंड चेंजेस देखेंगे वो क्या दिया गया है। यहाँ पर अगर मैं आऊं तो सेकंड चेंजेस दिया गया एड विजार्ड्स पेज लूपिंग ऑप्शन फॉर विजार्ड्स पॉपअप। अगर आप विजार्ड्स पॉपअप यूज करेंगे तो वहां पर आपको विजार्ड्स पेज लूपिंग का ऑप्शन दे दिया गया। कैसे वर्क करेगा, एड पे जाना है, यहाँ पर आपको कहीं भी उसको लगा लेना। लाइक मैंने यहाँ पर बैक स्पेस पे गया, मैंने यहाँ पर इसको लगा लिया, मैंने यहाँ लगा लिया सेटिंग पे जाके विजार्ड्स पेज लूपिंग को ऑन कर लिया। अब विजार्ड्स पेज लूपिंग काम क्या करेगा, लुक बैक टू फर्स्ट पेज आफ्टर स्क्रॉलिंग पास्ट लास्ट पेज ऑफ द विजार्ड्स। लाइक अब मैंने इसको लगा लिया, मैं बैक को की को यूज करूंगा, मैं बैक आ गया, मैंने यहाँ बैक की को यूज करा तो आप देखेंगे यूज हो रहा है। तो ये यहाँ पर इस तरीके से वर्क कर रहा है। तो ये वापस घूम के फर्स्ट पेज लास्ट पेज पे आ रहा है, तो यही है विजार्ड्स पेज लूपिंग, क्योंकि वो लूप करके वापस घूम रहा है। तो इसका मतलब यही है कि वो वर्किंग कर रही है, मतलब वही फर्स्ट पेज पे भी आ जाएगा, तो उसे कहते हैं विजार्ड्स पेज लूप। उसके बाद दोस्तों तीसरा ऑप्शन दिया गया है मॉडिफाई टू स्विच टू फुल स्क्रीन व्हेन रिपीटिंग द स्प्लिट स्क्रीन फंक्शन। कैसे, लाइक मैंने यहाँ पर गैलरी खोल ली है, ठीक है, अब मैंने यहाँ पर यूं करके स्प्लिट स्क्रीन को ऑन कर लिया और अब मैंने वापस से यूं करा तो स्प्लिट स्क्रीन बंद भी कर सकते हैं। मतलब कि आपने जिस ऑप्शन से स्प्लिट स्क्रीन को ऑन करा है उसी ऑप्शन से आप यहां पर स्प्लिट स्क्रीन ऑप्शन को बंद कर सकते हैं। तो यहां पर ये ऑप्शन, ये वाला फीचर एड ऑन किया गया है, थर्ड फीचर। उसके बाद डिसेबल व्हेन फोटो इन एडिट इन ओपन गैलरी ऐप। तो ऑटोमेटिक जब भी अगर आप गैलरी में फोटो को एडिट कर रहे होंगे तो वन हैंड ऑपरेशन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। जैसे कि मान लो मैं यहाँ गैलरी में आया, गैलरी में आने के बाद मैंने तो मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर फोटो को एडिट में क्लिक कर लिया। अब जैसे ही मैं एडिट पे क्लिक कर लूँगा, एडिट पे क्लिक करने के बाद अगर आप देखेंगे अगर मैं अब बैक का ऑप्शन लूँगा तो वो बंद हो चुका है क्योंकि गैलरी ऑटोमेटिक यहाँ पर काम करना बंद कर देगा। तो ये वाला अपडेट यहाँ पर दिया गया है ताकि आप उसको अच्छे से एडिट कर सकें।
उसके बाद ऑप्शन दिया है फिक्स्ड अ प्रॉब्लम एंड कनेक्टिंग एंड्रॉइड ऑटो। एंड्रॉइड ऑटो में जब भी आप कनेक्टिंग करते थे वन हैंड ऑपरेशन के थ्रू उसमें कुछ इश्यूज रहते थे वो यहाँ पर रेक्टिफाई किया गया है। उसके बाद फिर फिक्स किया गया है वन क्लिकिंग का मीडिया कंसर्निंग क्विक टूल्स। क्विक टूल्स के अंदर जब भी आप मीडिया को ऐड क्लिक करते थे उसमें कुछ प्रॉब्लम थी वो भी फिक्स आउट किया गया। अदर स्टेबिलिटी भी फिक्स आउट की। ओवरऑल इसमें 5-6 फीचर एड ऑन किए गए हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी यूजफुल हैं। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसी नई अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक यू दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ यार लाइक जरूर कर देना और हो सके तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो नहीं किया है तो वो भी जरूर जाके कर लेना, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।